वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एग्जाम वे पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में, यानी ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं, व्हाट इज ज्योग्राफी। पृथ्वी भूगोल है शास्त्र है जिसके द्वारा हमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक उपकरणों के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम भूगोल कहते हैं। फिर बात आती है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल का पिता इस्टो सथनीज जी को भूगोल का पिता कहा जाता है। आगे चलकर भूगोल की अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं, जैसे मानव भूगोल, आधुनिक भूगोल, भौतिक भूगोल। इसी प्रकार इनके फादर भी अलग अलग व्यक्तियों को कहा जाता है। हम बात करते हैं आधुनिक भूगोल की। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? आधुनिक भूगोल के पिता हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जी हैं, आधुनिक भूगोल के पिता। इसी तरह से भौतिक भूगोल के पिता कौन है? भौतिक भूगोल के पिता हैं पोलिडोनियस जी को भौतिक भूगोल का फादर कहा जाता है। और मानव भूगोल का पिता विडाल डी ब्लोस जी को कहा जाता है। अरिस्टोटल जी ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण अरिस्टोटल जी ने दिया। और मार्टिन वेहम जी ने ग्लोब का मानचित्र बनाया। ये तो थी हमारी भूगोल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। और अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम होगा ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड के बारे में आप सबको बताएंगे कि ब्रह्मांड है क्या। और ज्योग्राफी की भी हमारी पहली क्लास है, आगे ऐसी क्लास आपको मिलती रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक ब्रह्मांड। सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। पृथ्वी के ऊपर हम जिन वस्तुओं को देखते हैं, आकाश में हम जिन वस्तुओं को देखते हैं, उनसे पर हम जिन वस्तुओं की कल्पना करते हैं, उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड अनंत ग्रहों, तारों, चंद्रमा वह अनेक पिंडों का समूह है। ब्रह्मांड में अनेक तारे, चंद्रमा, ग्रह और उल्का पिंड है। फिर बात आती है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। क्या होता है कॉस्मोलॉजी? सबसे पहले 1730 में ब्रह्मांड शब्द का उपयोग 1730 में क्रिश्चियन वोल्फ जी ने किया था। 1730 में क्रिश्चियन वोल्फ जी ने ब्रह्मांड शब्द का उपयोग किया। ब्रह्मांड का अध्ययन सबसे पहले क्लोडियस डियस टोलमी जी द्वारा किया गया। और क्लोडियस टोलमी जी ने कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और इन्हीं के इस सिद्धांत को भूकेंद्रीय
सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कोपरनिकस जी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य है जो वो ब्रह्मांड का केंद्र है। और उनके इस सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक्स या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद विलियम हर्सल जी ने कहा कि न तो सूर्य और न पृथ्वी कोई भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य तो आकाशगंगा का छोटा सा भाग है, अंश है, जो सौरमंडल की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। उसके बाद 1925 में एडविन हब्बल जी ने बताया, एडविन हब्बल जी ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, और प्रकाश वर्ष वर्ष एक गति मापने का यंत्र है। प्रकाश वर्ष की इकाई 9.6 × 10^12 किलोमीटर पर सेकंड है, और प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड है। और केपलर जी ने घड़ों की गति का नियम भी दिया था। उसके बाद बात आती है, एक यंत्र है जिसका नाम है पारसेक, ये भी दूरी का एक यंत्र है। पारसेक 3.26 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है, इसकी वैल्यू 3.26 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर मानी जाती है। बात आती है आकाशगंगा की, आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, या हम इसे मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। यह हमारी आकाशगंगा का नाम है। आकाशगंगा कौन सी है? तो उस सबसे हल्की आकाशगंगा है ओरियस सवार, ये सबसे हल्की आकाशगंगा है। और हमारी आकाशगंगा के नजदीक की आकाशगंगा का नाम है एड्रीमेडा या देवयानी, ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, और उनमें 100 अरब से ज्यादा स्टार्स यानी सितारे हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण निहारिका या नेबुला परिकल्पना के आधार पर माना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ। हम बात करेंगे सितारा के बारे में, यानी सितारा है क्या, यानी स्टार्स एक ऐसा आकाशीय पिंड जिसकी अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश होता है, उसे हम स्टार्स कहते हैं। सितारे की जब हमें सेकंड अवस्था में लाल रंग का दिखाई देता है, तो उसे हम लाल दानों या रकत
दानों के नाम से जानते हैं। जब सितारे में कार्बन के भारी तत्व प्रकाश में मिल जाते हैं तो उस अवस्था को हम श्वेत वामन कहते हैं। और जब तारा अपना प्रकाश खोकर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, यानी अपना प्रकाश पूरा प्रकाश खो देता है, तो उसे हम ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मांड के सभी सितारों का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगली क्लास में हम आपको ग्रह और उपग्रह के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए सभी अपने घर पर रहें। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।